खबर मंदसौर से है, जहां मंदसौर की जानी मानी कृषि उपज मंडी हाल फिलहाल अव्यवस्थाओं में नंबर वन आ रही। किसानों ने आरोप लगाया है कि कल 12 बजे नीलामी बंद कर दी गई और आज 1 बजे पुनः नीलामी बंद कर दी गई। किसानों का आरोप है कि जो सेट में माल पड़ा है उनकी नीलामी भी रोक दी जाए तो कोई बात नहीं, उपज गीली नहीं होगी, लेकिन हम खुले में पड़े हैं और हमारा माल गीला हो रहा है। ऐसे में हमारे माल की नीलामी होनी चाहिए, लेकिन व्यापारी और मंडी प्रशासन की मिलीभगत के कारण हमारे माल की नीलामी नहीं करते हुए पहले सेट पर नीलामी की जा रही है। अभी मौसम भी बिगड़ रहा है, अब कब बारिश हो जाए। किसानों की चिंता आसमान की तरफ निहार रही है कि कहीं बारिश ना हो जाए। किसान आस लेकर आता है मंदसौर मंडी में कि यहां पर अच्छे दाम आएंगे, अच्छी व्यवस्था मिलेगी, लेकिन मंदसौर मंडी बिना जनप्रतिनिधि के अनाज नजर आ रही है। आए दिन यहाँ पर किसान परेशान रहते हैं, जिसकी बात कोई सुनने वाला नहीं, सिर्फ मीडिया के भरोसे रहते हैं किसान। किसानों ने जाकर मीडिया के साथ मंडी सचिव से बात की, तब कहीं जाकर मंडी सचिव पर्वत सिंह सिसोदिया ने पुनः नीलामी शुरू करवाई, लेकिन वह भी शेड में, फिर वही चिंता में किसान की, कहीं बारिश ना आ जाए। कालूलाल कहाँ से आया था? झालावाड़। पैसे भी नहीं है सर, खाना पीना का पैसा नहीं है मेरे पास, बुखार आ रहा है, पानी में भीग गया। बारिश से फसल भी नुकसान हो गया, पानी अंदर भरा गया। क्यों नहीं बिके कल? 12 बजे बंद कर दी थी। 12 बजे मंडी बंद कर दी सर। क्यों करी थी बंद? ज्यादा कहीं का मतलब व्यापारियों की मनमानी करी है। मैं 4 दिन सुनने वाला ही नहीं, व्यापारी अपने मनमानी कर रहा है। बस आ रही थी किसानों को नीलामी, कल 12 बजे बंद कर दी, आज भी 1 बजे बंद कर दी, क्या समझ? देखो 1 बजे नहीं, कल तो बंद हो गई थी, लेकिन आज क्या है कि सुबह 10 बजे चालू हुई, 10 बजे से 1 बजे तक, उसके बाद में 2:30 बजे से अभी फिर चालू होना है। जितना प्रांगण के अंदर जो माल है, पानी अचानक आ गया, गीला हो गया है, थोड़ी हवा लग जाएगी, चालू हो गया है और पूरा माल बिकवा देंगे आज। उनका कहना है कि शेड में पड़ा हुआ माल पहले बेचा जा रहा है। शेड में तो जो भाई पानी नीचे जो ज़्यादा गीला हो गया था, तो जब शेड में बिकने के बाद जो ज़्यादा ही गीला है, तो शेड खाली होने के बाद ज़्यादा गीला उसको शेड में डाल देंगे और जो सूखा है उसको बेच देंगे। फिर मौसम तो बिगड़ा हुआ सर, मौसम तो 5 दिन से बिगड़ा हुआ। मैं तो 5 दिन से कंटिन्यूस किसानों उसको अलाउंस करवा रहा हूँ कि मौसम खराब है, किसी भी प्रकार का नीचे ढेर नहीं करे, डोम में खाली करे, शेड में खाली करे, अगर नहीं हो खाली तो अपने ट्राली में ढक के रखे, उसके बावजूद भी अगर खाली हो गया तो उसको भी हम बेचने के प्रयास कर रहे हैं। किसान के साथ हम हैं, किसान के। कौशल कुमार माली, क्या कहेंगे, क्या समस्या आ रही है? समस्या ये आ रही कि सर कल भी 12 बजे बाद ही से इन्होंने बंद कर दी, तो उसकी वजह से हमारा माल नहीं बिक पाया और पूरा गीला हो गया है, बहुत आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है बेचारे किसानों को। अभी भी बारिश की स्थिति लग रही है और अभी भी किसानों ने 1 बजे ही बंद कर दिया, जबकि 2 बजे बंद करना चाहिए। नीलामी बंद कर दी। अगर पानी आ जाएगा तो? अभी आ जाएगा तो फिर वो स्थिति है, क्या करें? इनको कोई दबाने वाला नहीं है, ना कोई SDM साहब, ना कोई कलेक्टर साहब, सेट की व्यवस्था वगैरह नहीं है, कोई व्यवस्था करके तो इनको सिस्टम ही ऐसा जमा रखा इन्होंने कि किसानों को नुकसान पहुंचे इनकी मनमर्जी की वजह से। क्या नाम है आपका? कौशल कुमार माली। कहाँ से आया था? जिला झालावाड़ राजस्थान से। मेरा नाम संजय शर्मा है, मैं उज्जैन जिले से आया हूँ। हमको भी 3 दिन हो चुके हैं और यहाँ पर व्यापारी अपनी मनमानी कर रहा है, यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। मंडी कमेटी और प्रशासन नाम की कोई चीज़ नहीं, कोई किसानों की सुन नहीं ले रहा है और किसानों का माल कल भी भीगा पानी में और आज सुबह भी भीग गया है और किसानों को, और ना कोई ये नीलामी, कल भी अगर पूरी नीलामी चलती तो बाहर का माल बिक सकता था, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। घोर लापरवाही, व्यापारी पूरी अपनी मनमानी कर रहे हैं, शासन प्रशासन जनप्रतिनिधि कोई ध्यान नहीं दे रहा है यहाँ पर, इसका जिम्मेदार कौन है? मैं संजय शर्मा जिला उज्जैन से आया हूँ। मंदसौर से कैमरामैन यश लोहार के साथ अंकित सोनी की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज। आप देख रहे थे TV1 इंडिया न्यूज, आजाद भारत की आवाज। देश और दुनिया के तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहिए TV1 इंडिया न्यूज के साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।